दोस्तों, हालांकि हमने बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई हैं जो यूपी में चलती हैं, यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, हालांकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर टोटल गिनती की अगर आप बात करते हैं कि टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी चलती हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास अलग अलग काउंसिल्स के अप्रूवल्स हैं। यूजीसी की मान्यता लेना किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य है। उसी तरह से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है जो है मोनार्ड यूनिवर्सिटी। मोनार्ड यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली से हार्डली 1.5 घंटे की दूरी पर है और दिल्ली से इसका डिस्टेंस हार्डली 65 से 70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप अगर जाओगे तो हापुड़ की साइड आपको चलना होगा। हालांकि इसी रोड पर आगे जाके और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज आती हैं, जैसे वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी आती है, आगे तीर्थांकर यूनिवर्सिटी, IFTM यूनिवर्सिटी भी आती है, और आगे निकल जाओगे और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इस रोड पर। ये टोटल जो हाईवे है, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। मोनार्ड यूनिवर्सिटी के बारे में हालांकि आज काफी कुछ आज हम डिटेल में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं यूजीसी के अलावा। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहां रैंक करती है, मतलब कि यूजीसी पर कहां इस यूनिवर्सिटी का नाम है, आपके कोई भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर डिग्री वेरीफाई करवानी है उसका प्रोसेस क्या है, कैसे PhD में एडमिशन लेंगे, सभी चीजों पर आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में मोनार्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं यूपी में चलती हैं, जो उन सभी में से एक नाम जो मोनार्ड यूनिवर्सिटी का आता है, मोनार्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी पर रैंक करती है, यूजीसी से एफिलिएट है, यूजीसी ने मान्यता दी है यूनिवर्सिटी को चलने के लिए, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है यूजीसी और यूजीसी को रेगुलेट करती है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब बात करें हम लोग सबसे पहले कि इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है या नहीं, उसे हम कैसे चेक करें। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि सबसे पहले यूजीसी की साइट पर जाएं और जाकर यूनिवर्सिटी के बारे में चेक करें। कैसे आप चेक करेंगे, सबसे पहले आप जाके टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही आप यूजीसी की यहां पर जाकर वेबसाइट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में जहां टैब्स बने हुए हैं वहां पर यूनिवर्सिटीज में आप जाइए। यूनिवर्सिटीज पर जाने के बाद में जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज पर जाएंगे, वहां लिखा आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे, सभी स्टेट्स के नाम यहां पर रेड कलर से लिखे हुए हैं, सबके नाम सामने आपके आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे टोटल 32 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में सबके नाम आपके सामने आकर खुल जाएंगे। उन्हीं में से एक नाम आता है मोनार्ड यूनिवर्सिटी। 21वें नंबर पर आप इस यूनिवर्सिटी की डिटेल चेक कर पाएंगे। मोनार्ड यूनिवर्सिटी हालांकि 2010 से चल रही है, अभी 2023 चल रहा है, लगभग 13-14 साल इस यूनिवर्सिटी को चलते हुए हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी बनी है 12/10/2010 में, मतलब कि 12 अक्टूबर 2010 में यूनिवर्सिटी ये बनी है। यूनिवर्सिटी तब से एडमिशन्स ले रही है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। और ज्यादा जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप मोर डिटेल्स पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप मोर डिटेल पर जाके क्लिक करेंगे, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.monard.edu.in। यही यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो यूजीसी पर मेंशन है, और जो यूजीसी पर वेबसाइट मेंशन है आप उसी को रियल माने और किसी भी साइट को रियल ना माने। यहां पर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी कुछ डिटेल्स मेंशन है, यूनिवर्सिटी की मेल आईडी भी मेंशन है, कुछ फोन नंबर भी दिए हुए हैं। पर आप यहां पर जाकर जब वाइस चांसलर साहब की डिटेल्स आप चेक करते हैं, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद, साथ में उनका फोन नंबर मेंशन है और मेल आईडी भी मेंशन है। कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ में, आप सीधा वाइस चांसलर साहब से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही रजिस्ट्रार साहब की डिटेल्स भी अगर आप देखें
तो यहाँ पर लिखा हुआ है डीपी सिंह साहब, जो कर्नल डीपी सिंह साहब हैं, वो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं और साथ में ही उनकी मेल आईडी मेंशन है और साथ में ही उनका फोन नंबर भी मेंशन है। हालांकि अब यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। यूनिवर्सिटी में आप पहले गए होंगे और आप अब जाएंगे, पूरा ही मैनेजमेंट बदल चुका है। अब आप जाएंगे, पूरा मैनेजमेंट नया है वहां पर। एडमिशन डीन से लेकर जो पीएचडी रिसर्च में बैठे हैं वो भी, और एडमिशन लेने वाले भी। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इस यूनिवर्सिटी से अप्लाई करने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पेंडिंग है, आप सीधा यूनिवर्सिटी आप विजिट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है, दूर दराज के एरिया में आप रहते हैं, आपको हमारी मदद चाहिए, आप इसमें हमारी मदद भी ले सकते हैं, हम भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। साथ में डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए आप आरटीआई भी लगा सकते हैं, या यूनिवर्सिटी जाकर पर्सनली विजिट कर लें या हमारी मदद ले लें, बात एक ही है। ये तो थी यूजीसी की डिटेल्स जो मैंने आपको बताई। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से एफिलिएट करती है, यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के वो मेजर कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी चलाती है। मेजर कोर्सेज जैसे कौन-कौन से हैं, पहले आप मेजर कोर्सेज के बारे में आप जानिए। ये यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारे पास इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, बीटेक होता है, एमटेक होता है। आप अगर बीटेक एमटेक डिप्लोमा करना चाहते हैं, हालांकि यूनिवर्सिटीज को एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत होती है, बट यूनिवर्सिटीज को इस अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं वो बिल्कुल बाउंड है कि उन्हें एआईसीटी का अप्रूवल लेना होगा, बट किसी भी यूनिवर्सिटी को एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। बाकी जितने भी कोर्सेज होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब एक यूनिवर्सिटी बनती है, तो जैसे यूनिवर्सिटी बनी तो उस वक्त उसको सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, साथ में ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और रिसर्च मतलब पीएचडी, इन सब में एडमिशन लेने की परमिशन मिल जाती है। बट जब यूनिवर्सिटी दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहती है, जो कोर्सेज किसी भी काउंसिल से एफिलिएट करते हैं, जैसे मैंने एआईसीटी के बारे में अभी आपको बताया, वो भी है, बीसीआई है, पीसीआई है, या फिर आयकर एक होती है, फार्मेसी काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा, इन सभी के कोर्सेज को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी को काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है, वरना यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को नहीं चला सकती। इस यूनिवर्सिटी के पास जो मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक यूनिवर्सिटी करवाती है, स्कूल ऑफ लॉ मतलब आप 3 साल की 5 साल की एलएलबी कर सकते हैं और साथ में ही एलएलएम भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आप विजिट करें, किसी भी चीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जाकर फैकल्टी मेंबर से मिले या हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपका इनसे कॉन्टेक्ट जरूर करा देंगे। स्कूल ऑफ फार्मेसी है, मतलब कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, इन कोर्सेज में भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पास पीसीआई का, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है। साथ में स्कूल ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल जो कोर्सेज होते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर है, डिप्लोमा एग्रीकल्चर है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकती हैं। बीएड आप करना चाहते हैं, उसके लिए एनसीटीई का अप्रूवल होना किसी भी यूनिवर्सिटी को जरूरी होता है। यूनिवर्सिटी के पास एनसीटी का अप्रूवल है, इसीलिए यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स करा पाती है। मोनार्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, साथ में ही एक और चीज मेंशन है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज, आप बीबीए, एमबीए जैसे कोर्सेज आप करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों अब देखा जाए तो आजकल अब तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जो ऑनलाइन एमबीए करवाती हैं, या फिर डिस्टेंस एमबीए भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन का हालांकि अब देखा जाए बहुत ज्यादा चलन है, बहुत ज्यादा क्रेज है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही करना चाहते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियोस बनाई हैं, आप उनके बारे में आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम कुछ लिंक्स को डाल देंगे जो यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एमबीए करवाती हैं। हालांकि मोनार्ड यूनिवर्सिटी से भी आप एमबीए कर सकते हैं, पर वो ऑनलाइन या डिस्टेंस नहीं है, वो रेगुलर होगी। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी में आप ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं और सोशल साइंस से रिलेटेड भी कोर्सेज आप कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में वो सभी कोर्सेज मान्य हैं। यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी वो सभी कोर्सेज में एडमिशन लेती है। 58 एकर्स में यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है। मेंबर ऑफ एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटीज, मतलब कि जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है उसकी भी यूनिवर्सिटी ये मेंबर है, आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में COA, BCI, PCI एंड NCT जैसे यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स हैं। यूनिवर्सिटी के पास 40 से भी ज्यादा एकेडमिक प्रोग्राम्स चलते हैं। और साथ ही एक बात और आपको जान लेनी चाहिए, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय यूपी स्टेट गवर्नमेंट एक्ट 23 ऑफ 2010 अंडर सेक्शन 2F। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं, जैसा मैंने कई बार आपको बताया है, UGC एक्ट 1956 के तहत जो सेक्शन 2F है वो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है कि वो यूनिवर्सिटीज चलें, एडमिशंस ले और साथ में ही क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, आप मुनार यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बीटेक करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में स्कॉलरशिप आप लेना चाहते हैं, आपके परसेंट ऑफ मार्क्स अगर 12th में 80+ है, 70+ है, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, या फिर आप किसी भी तरह से एलिजिबल है, स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। उस स्कॉलरशिप का लिंक हमने नीचे वीडियो में डाल दिया है, आप जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स अपने डालेंगे, ऑनलाइन एक एग्जाम होता है, उस ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको मेल करती है, बताती है कितना परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कितनी परसेंट आपकी फी माफ की जाएगी। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है मुनार यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी भी तरह के डाउट्स हैं, आप हमसे अपने सवाल जरूर पूछें, कमेंट करें हमारी वीडियो में जाकर और पूछें और बताएं हमें कि अगला वीडियो हम मुनार यूनिवर्सिटी के बारे में किस टॉपिक पर लेकर आएं, ताकि आपके सभी तरह के डाउट्स हम क्लियर कर सकें। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, वेरिफिकेशन है या कुछ और आप जानना चाहते हैं, हमें सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपकी उसमें मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी हर तरह के अपडेट से अपने आप को अपडेट रख सकें क्या आते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए, आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। तब तक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।